नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतेश। दोस्तों यूपी टेट के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी टेट के रिजल्ट का वेट हम लोग कर रहे हैं और इसकी रिवाइज आंसर की इससे पहले आनी है और अभी स्थिति यह है कि जो भी आंसर की आई थी उस पर आपत्तियां लगी और आपत्ति के लिए हमने एक मोटी फीस जमा कराई पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ ये अभी तक तो ठीक तक भाई आपत्ति लगानी है, उसके साथ साथ हमें प्रूफ देने हैं और उसके लिए हमें फीस जमा करानी है, लेकिन अब ये मैटर कोर्ट में पहले ही पहुंच गया रिवाइज आंसर की आने से पहले ही। ठीक है, जैसे कि पीएनपी की पुरानी परंपरा रही है, वो कोई ना कोई लैकुना हर एग्जाम में ऐसा छोड़ देता है कि मामला कोर्ट में जाना ही होता है और वहां ये हो गया, यानी कि मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन इस बार मामला कोर्ट में जाने का रीजन दूसरा है। तो अब इसमें कोर्ट का फैसला जो भी आए, क्या होता है आगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये चीज पॉजिटिव रहती है तो बहुत बड़ी राहत लाखों स्टूडेंट्स को मिल सकती है। यूपी टेट के लिए हमें देख लेते हैं कि वो कैसे राहत मिल रही है और क्या हो सकता है। एक्चुअल में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, दो आर्टिकल यहाँ ये हो गए। एक आपका राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सरकार का ये फर्ज बनता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी योग्यताएं पूरी करते हैं उन्हें रोजगार दे। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके सरकारों को ये करना चाहिए। लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद ऐसा नहीं होता और काफी सारे स्टूडेंट्स और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये सारी करतूतें सरकार के अफसरों के कारण ही होती है। पीएनपी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, बिना कोर्ट में जाए कभी नहीं सुलझता। हर एग्जाम में 10 से 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं या फिर उन पर कॉमन नंबर देने की स्थिति आती है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सही थे अगर ऐसा नहीं होता तो, और काफी सारे स्टूडेंट्स को वो होने पर बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि क्वेश्चन हटने पर डिलीट होने पर बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के स्थिति उलझ जाती है। यहां इसी नियम को चैलेंज किया है कि आप एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं रहे, ऊपर से जब आप फॉर्म की फीस लेते हैं मोटी और उस पर भी जीएसटी लेते हैं तो ये कहां का न्याय है। जीएसटी या टैक्स तो तब लिया जाना चाहिए जब आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, वो इनकम उसकी होने शुरू हो गई, उस इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। यहां बेरोजगारों से आप टैक्स ले रहे हैं तो इससे बड़ी जो शर्म है वो सरकारों के लिए और क्या हो सकती है। अब यहां आंसर की चैलेंज को देख लीजिए, पर क्वेश्चन आपसे फीस वसूली गई। ठीक है, हर एग्जाम में अलग अलग होती है, 500 रुपए के 1000 रुपए इस तरह से। तो पीएनपी ने यहां भी यूपी टेट में जब आप क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो उसकी फीस ली जा रही है। तो इसी नियम को चैलेंज किया गया है कि आप किसी विरोध करना संवैधानिक अधिकार है किसी भी चीज का, और यहां ये एक ऐसा विरोध है जिससे किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं हो रहा, तो यहां आप विरोध करने से पहले ही रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) दोनों का उल्लंघन मानते हुए एडवोकेट अनुराग अग्रहारी हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है और ये थ्रू स्टूडेंट्स ही याचिका यहाँ लग चुकी है। इसकी सुनवाई भी बहुत ही जल्दी हो रही है और मैं इसकी पूरी अपडेट आपको दे दूंगा आगे क्या हो सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर इस सुनवाई के बाद फैसला आता है कि ये जो फीस लगाई जाती है मोटी क्वेश्चन को चैलेंज करने पे, तो उससे राहत मिल सकती है। फीस या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर हटा दी जाएगी, तो उससे गरीब जो स्टूडेंट्स हैं, गरीब से मेरा मतलब ये मत समझिए आप कि कोई, तो इससे फायदा ये होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो याचिका लगाने की स्थिति में नहीं होते, मोटा पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं होते, वो भी इसको चैलेंज कर पाएंगे और भी सही चीज निकल के आएगी। ठीक है, हालांकि मोटी फीस इसलिए लगाई जाती है कि भाई इसको फालतू लोग चैलेंज नहीं करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, बाकायदा बार बार वो कोई ना कोई याचिका लगा देते हैं, तो उससे बचने के लिए लगाई गई थी। लेकिन इतनी मोटी फीस रखना वास्तव में संवैधानिक अधिकारों का हनन ही एक तरीके से यहाँ हो रहा है, इसी को लेकर के याचिका लगाई गई है। तो दोस्तों इस बारे में आपका कोई सुझाव है या आपका कोई कमेंट है तो आप वो बता सकते हैं, जरिए कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस मामले में कोई और सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।